गुजरात के राजकोट में एक रेस्टोरेंट है जिसने एक अनोखा ऐलान किया है, और यह अनोखा ऐलान यह है कि अगर कोई बच्चा उनके रेस्टोरेंट में आता है और बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेता है तो उस बच्चे को वहां पर जो कुछ खाना है, जितना खाना है, उसे वो मुफ्त में मिलेगा। सुर्खियों में ही आ गए और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो भी यहाँ नजर आने वाली है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहुंच रहे हैं जिन्हें भगवा साफा पहनाया जा रहा है, तिलक लगाया है और वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब इस खबर को देखने के बाद दो तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, क्या वाकई में ये धर्म से जुड़ा है या सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अगर आपको बिजनेस धंधा आगे बढ़ाना है तो फिर आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है और गुजरातियों के बारे में तो वैसे ही बनाता है कि उनका दिमाग जो है वो बहुत शार्प होता है। लेकिन ये सवाल जब इस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा गया कि अरविंद भाई आप वायरल होने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, वायरल होने के लिए नहीं है और ये ऑफर नया रेस्टोरेंट है इसलिए भी नहीं है, ये ऑफर लाइफ टाइम है, अनलिमिटेड रहेगा, जिंदगी भर में चलाऊंगा जब तक ये रेस्टोरेंट है। और इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि मैं सनातन परंपरा को मानने वाला हूं, जब हम ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं तो ऐसे में जो बच्चे हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, बचपन में जानते हैं, उनको देखकर एक सुखद अनुभूति होती है और मेरी तरफ से सनातन परंपरा को मेरा ये योगदान होगा जिसमें उन बच्चों को मैं अनलिमिटेड खाना दूंगा ताकि इसे देखकर और भी लोग सीखें, समझें और हनुमान चालीसा वैसे गुजरात की बात की जाए तो वहां पर हनुमान जी के और राम जी के भक्त बहुत सारे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी जो रहा जब मैं गया था तो आप जैसे ही बताइए कि आप अयोध्या से हैं लोग आपको तपाक से गले लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम 1,00,000 लड़कों को मुझे आने वाले समय में हनुमान चालीसा पाठ याद करवाना है और इस वीडियोस के जरिए जब वायरल होंगे तो वो इंस्पिरेशन लेकर यहां पर आएंगे। उनसे ये भी पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप थोड़ा अलग करते हो और धंधे के बारे में कहा जाता है कि जब तक थोड़ा डिफरेंट ना करें, कुछ नया अप्रोच ना करें, लोग आकर्षित नहीं होते, तो आप इसलिए तो नहीं वायरल हो रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई भी लॉजिक नहीं है, मैं हनुमान जी का परम भक्त हूं और मेरे रेस्टोरेंट में आने वालों को हम गमछा पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि भविष्य जो हमारा है सनातन परंपरा का वो बेहतर हो जाता है।